सहरसा में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। बता दें कि भैंस चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पूरा मामला जिले के सोनबरसा रास थाना क्षेत्र के गढ़ अमृता गांव का है, जहां पर गांव में 3 भैंस की चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवक को पकड़कर रस्सी से खूंटे से बांध कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चकारे से आए थे, एक तो मेरा दोस्त था जो डेट किया था वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को तिलाठी में छोड़ दिया था। तिलाठी जब पहुँचे ना पिपर गाछ में ना, जब पहुँचे तो 2-3 लड़का जो है ना, 4 लड़का रोक लिया वहाँ पर। हम लोग का गरीब भी लेके चल गया था वहाँ पर, मसूदन श्रीदेव का द्वार पर, वहाँ पर लेके गया था। दोनों आदमी को पोस्ट मार मारा। मोतिहारी के तुरकोलिया में बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग बीते रविवार से गायब था, जिसे एनडीआरएफ ने 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। पूरी घटना मोतिहारी जिले के तुरकोलिया प्रखंड के पुरवारी टोला का है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक बीते रविवार तालाब घूमने गया था और पैर फिसलने की वजह से पानी से गिर कर डूबने से उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर मुजफ्फरपुर से एनडीआरएफ की एक टीम पहुंची और शव को बरामद कर ढूंढ निकाला। सहरसा में एक बार फिर कोशी नदी में नाव पलट गई है। नाव पर करीब 8 से 10 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिससे आपको बता दें कि महिला का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं एक नदी में डूबने से लापता है। मिली जानकारी के मुताबिक कोशी नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गांव में आवागमन बाधित हो गया है। आवाजाही के लिए एकमात्र नाव ही सहारा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। 7:30 के बीच में 18 या 19 फीट की एक नाव थी, जिसपे लगभग 10-12 व्यक्ति सवार होकर के डरहार चौक पर गए हुए थे इलाज कराने के लिए, कुछ गैस भराने के लिए। उधर से रिटर्न आने के दौरान जिले में जो वृक्ष है वो लिबा हुआ है पानी में, उसी में नाव टकरा गई, उसी के दौरान नाव डूब गई। यहाँ से फ़ोन गया था, जिस 7:15 वो नाव पलट गई थी, उसमें 12 से 14 की संख्या था, और वहाँ पर 5-7 वो एक जलेबी का पेड़ है और उसी पेड़ में, और पानी का बहुत ज़्यादा करंट होने के कारण जो नौ का संतुलन खो गया और नौ पलट गई। आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में कोटा से लोरमी पहुंचे, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के कुमार भार्गव के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि लोरमी ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ को लेकर काफी चर्चा रही, तो वहीं आज प्रदेश अध्यक्ष के आने से सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सतनामी समाज के लोग काफी संख्या में मोहन मरकाम जिंदाबाद मेन भार्गव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजीत बनर्जी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष हेमिन सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय पर गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें कि मेरठ के रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया है कि 10 साल का बच्चा इलाज के लिए एम्बुलेंस पर तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मोटी रकम मांगी। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। जहां बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं इस बारिश से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं यहां MB रोड पर भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सरकारी वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल सरकार के द्वारा ये वादा किया जाता है कि बारिश से निपटने की हर संभव तैयारी की गई है, लेकिन राजधानी में जब भी बारिश होती है तमाम सरकारी वादों की पोल खोलकर रख देती है। एक बार फिर जब दिल्ली में बारिश हुई तो जलभराव से दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह है साकेत मेट्रो स्टेशन। 2 घंटे के बारिश में इतना लबालब पानी, क्या कहेंगे, कहना क्या है, वो तो साफ दिख रहा है आपको। 2 घंटे ही हुए हैं और दिल्ली तो पूरी डूब चुकी है लग रहा है। पता नहीं ये क्या, ये लोग अपना काम करते हैं, पर ये बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 घंटे की बारिश हुई है और ऐसा सिचुएशन हो गई है। अगर थोड़ी देर और भी बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली बहने लग जाएगी।
बंगाल के मेदिनीपुर से दबंगों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दबंग अचानक एक दुकान में घुस गए और दुकानदार को गोली से मारने की धमकी देने लगे और बंदूक के दम पर मालिक से 1,00,000 की नकदी लूट ली। बता दें कि घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दबंगों ने दुकान के मालिक को बंदूक से डरा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल बन गया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।